हेलो फ्रेंड्स यदि अब आप गलत इन्वाइस बनाएंगे अपनी बुक्स ऑफ़ अकाउंट में गलत एंट्रीज़ करेंगे तो इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत नई पेनल्टी लगेगी जिसके बारे में के बजट में प्रपोजल दिया गया है जिसके बारे में के हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे इस न्यूज़ में रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही हम कोई नया अपडेट डालें आपके पास इमिजिएटली यह अपडेट पहुँच जाए फ्रेंड्स अब आपका एक क्वेश्चन हो सकता है कि इनकम टैक्स एक्ट में नई पेनल्टी को क्यों प्रपोज किया जा रहा है इसके बारे में एक्सप्लेन किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा कि जीएसटी एक्ट आने के बाद बहुत से लोगों ने गलत इनपुट एस क्रेडिट क्लेम किया है गलत इन्वाइसिस के बेसिस पर यानी कि उन्होंने बिना गुड्स या सर्विस को सप्लाई किए हुए इन्वाइसिस को रेज़ किया है और जिन इन्वाइसिस में जीएसटी चार्ज भी किया गया है वो जीएसटी गवर्नमेंट को पे नहीं किया गया है इसलिए इस प्रैक्टिस को रोकने के लिए इस नई पेनल्टी को प्रपोज़ किया गया है सरकार ने कहा है कि इनकम टैक्स एक्ट के, के अंतर्गत नई पेनल्टी लगाई जाएगी यदि व्यक्ति की बुक्स ऑफ अकाउंट से पता चलता है कि उसने उनमें कोई गलत एंट्री की है या फिर कोई ऐसी एंट्री थी जिससे कि टोटल इनकम की कॉम्पिटिशन पे फर्क पड़ता है उस एंट्री को ओमिट कर दिया गया है ताकि टैक्स की चोरी की जा सके आपका अगला क्वेश्चन ये हो सकता है कि इस केस में कितनी पेनल्टी लगेगी इस, इसके बारे में बताया गया जो पेनल्टी का अमाउंट होगा वो होगा इक्वल टू द एग्रीगेट अमाउंट ऑफ फॉल्स एंट्री और ओमिटेड एंट्री यानी कि मान लीजिए आप पचास हज़ार रुपये की गलत एंट्री अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में करते हैं या फिर एंट्री को ओमिट कर देते हैं तो उसके इक्वलेंट ही पेनल्टी लगेगी इसके अलावा यदि कोई और व्यक्ति है जो कि आपसे एंट्री करवाता है तो उस केस में भी पेनल्टी उस व्यक्ति के ऊपर भी लगाई जा सकती है जो कि इक्वल होगी अमाउंट ऑफ सच फोल्ड एंट्री और अमिटेड एंट्री अब आपका अगला क्वेश्चन ये हो सकता है कि फोल्स एंट्री क्या होगी इसके बारे में भी बताया गया है कि फोल्स एंट्रीज का मतलब क्या होगा फोल्स एंट्रीज प्रपोज टू इंक्लूड यूज और इंटेंशन टू यूज ऑल दू द पर्सन हैज नॉट यूज बट ही हैज इंटेंशन टू यूज False or falsified documents such as false invoice or, in general, a false piece of documentary evidence or invoice inspect of supply or receipt of goods or services or both issued by the person or any other person without actual supply or receipt of such goods or services or both, or invoice inspect of supply or receipt of goods or services or both. टू और फ्रॉम अ परसन हु डू नॉट एग्जिस्ट इस प्रकार यदि भले ही आपने फॉल्स एंट्री नहीं की है लेकिन आपकी इंटेंशन है करने की फॉल्स डॉक्यूमेंट को यूज़ करते हुए जैसे कि फॉल्स इन्वाइस या फिर फॉल्स पीस ऑफ डॉक्यूमेंट या फिर आपने अभी सप्लाई नहीं रिसीव की है या सर्सी नहीं ली है और एंट्री कर देते हैं या फिर आपने ऐसे व्यक्ति से एनवाइस ली है जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता है तो उस केस में पेनल्टी लगाई जा सकती है अब आपका अगला क्वेश्चन ये हो सकता है कि पेनल्टी किस डेट से लगाई जा सकती है इसके लिए फाइनेंस बिल 2020 में बताया गया है कि अमेंडमेंट फर्स्ट अप्रैल 2020 से इफेक्टिव होगी इसके लिए कौन सा सेक्शन इंसर्ट किया गया है इसके लिए नया सेक्शन टू सेवेंटी वन डबल ए डी इंसर्ट किया गया है पेनल्टी फॉर फॉल्स एंट्री टेक्स्ट्रा इन बुक्स ऑफ अकाउंट टू सेवेंटी वन डबल ए डी विदाउट Prejudice to any other provision of this Act. If during any proceeding under this Act it is found that in the books of account maintained by any person there is a false entry or an omission of any entry which is relevant for computation of total income of such person to evade tax liability, assessing officer may direct that such person shall. पे बाय वे ऑफ पेनल्टी अम इक्वल टू द एग्रीगेट अमाउंट ऑफ सच फॉल्स और ओमिटेड एंट्री इस प्रकार यहाँ पे वर्ड मे यूज़ किया गया है शेल वर्ड नहीं यूज किया गया है इस प्रकार सेसिंग ऑफिसर को डिस्कशन दी गई है पेनल्टी लगाने की विदाउट पी जडिस टू द प्रोविजन ऑफ सब सेक्शन वन द सेसिंग ऑफिसर मे डायरेक्ट दैट एनी अदर पर्सन हू कोज इज द पर्सन रेफर्ड इन सब सेक्शन वन इन एनी मैनर टू मेक अ फॉल्स एंट्री और ओमिस और कोजी टू ओमिट एनी एंट्री रेफर टू इन दैट सेक्शन शैल पे बाय पेनल्टी असम इक्वल टू द एग्रीगेट अमाउंट ऑफ सच फॉल्स और ओमिटेड एंट्री इसके साथ ही यहाँ पे एक्सप्लेशन भी दी गई है सेक्शन में फॉर द पर्पजेज ऑफ दिस सेक्शन फॉल्स एंट्री इन्क्लूज यूज और इंटेंशन टू यूज अ फोज और फॉल्सिफाइड डॉक्यूमेंट सच एज फॉल्स इन वॉयस और इन जनरल फॉल्स पीस ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस और in vice inspect of supply or receipt of goods or services or both issued by the person or any other person without actual supply or receipt of such goods or services or both or in vice inspect of supply or receipt of goods or service or both to और फ्रॉम अ पर्सन हु डज नॉट एग्जिस्ट इस प्रकार ये पेनल्टी उस व्यक्ति के ऊपर भी लगाई जा सकती है जो कि बिना गुड्स या सर्विस को दिए हुए इन इशू करता है और उस व्यक्ति के ऊपर भी लगाई जा सकती है जो बिना गुड्स और सर्विस को रिसीव किए हुए इन को अपनी बुकिंग में एंट्री करता है इसके साथ ही यह पेनल्टी उस व्यक्ति के ऊपर भी लगाई जा सकती है जो कि उस व्यक्ति को इन इशू करता है जो एग्जिस्ट ही नहीं करता है और ये पेनल्टी उस व्यक्ति के ऊपर भी लगाई जा सकती है जो कि उस व्यक्ति से गुड्स या सर्विस लेता है जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता है फ्रेंड्स आपको ये न्यूज़ कैसी लगी कृपया लाइक कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आप इनकम टैक्स में कौन से चैलेंज फेस कर रहे हैं मेरा टारगेट है डेली दस लाख लोगों तक ऐसी इन्फॉर्मेशन पहुँचाना इस साल तो फ्रेंड्स आप जितना ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही ज़्यादा मैं अपना टारगेट मीट कर पाऊँगा और और भी अधिक वीडियोज़ और न्यूज़ आप तक पहुंचा पाऊँगा फ्रेंड्स जिन लोगों ने सी एस सतबीर सिंह चैनल की मेंबरशिप ली है उनके लिए मेंबर्स ओनली वीडियो का लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है और सेपरेट से प्ले भी दी गई है आप वहाँ जाके ये वीडियो देख सकते हैं फ्रेंड्स अब आप मेरे चैनल सी एसबीर सिंह की मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं जिससे कि जो एक्सक्लूसिव वीडियोज़ हैं सिर्फ मेंबर्स के लिए इनकम टैक्स जीएसटी, फाइनेंस एट एक्सट्रा पर उन्हें रेफ़र कर सकते हैं